अब एक सर्कल का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बेसिकली हम लोग को याद रहता है एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, याद है फॉर्मूला? एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। कैसे आता है ये फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, मालूम है किसी को? नहीं मालूम है? मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम। इसको हम लोग डिराइव करते हैं ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूले से। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, याद करिए, अभी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा। हाँ, कितना? 1/2 × बेस × हाइट, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एक सर्कल के अंदर हम लोग बहुत सारे ट्राइंगल बना लेते हैं और ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं, सभी एरिया जोड़ देंगे तो सर्कल का एरिया बन जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए कैसे बनाते हैं, मैं एक रफ आइडिया आपको बताता हूँ खाली ना। हमने एक सर्कल लिया, यहाँ देखिए, दिस इज ए सर्कल जी, ऐसे, ठीक है। सपोज दिस इज ए सर्कल, ठीक है, ये उसका सेंटर है, दिस इज सेंटर ओ। समझ आया? अब हम लोग ये करते हैं, देखिए पिछला चैप्टर हमने कौन सा पढ़ा, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पढ़ा। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का आखिरी टॉपिक कौन सा था? इनस्क्राइब्ड सर्कल, इनस्क्राइब्ड सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, या सर्कल नहीं कहना था मुझे, पॉलीगॉन, ठीक है ना? क्या था? इनस्क्राइब रेगुलर पॉलीगॉन इन ए सर्कल, इनसाइड ए सर्कल, और सर्कमस्क्राइब रेगुलर पॉलीगॉन अराउंड ए सर्कल। एक सर्कल के बाहर से आपको एक रेगुलर पॉलीगॉन बनाना है जो सर्कल को टच करेगा हर जगह, समझ आया? और एक सर्कल के अंदर में हमको एक रेगुलर पॉलीगॉन बनाना है जो अंदर से सर्कल को टच करेगा। तो दोनों तरह के फिगर का कंस्ट्रक्शन हमने बनाया कि नहीं बनाया? इंस्क्राइब वाला याद है, सर्कल के अंदर पॉलीगॉन बनाना, कौन सा पॉलीगॉन? रेगुलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन? रेगुलर क्यों बोलते हैं पॉलीगॉन को? जिसके सभी साइड सेम हो और सेंटर पर बनने वाले सभी एंगल सेम हो, समझ आया? तो अगर एक पॉलीगॉन के सभी साइड इक्वल इक्वल लेंथ के हैं तो ऐसा पॉलीगॉन क्या कहलाता है? रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है, रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, इस सर्कल के अंदर पॉलीगॉन्स बना देते हैं, बहुत सारे साइड्स, रेगुलर पॉलीगॉन्स, कोई भी पॉलीगॉन, 8 साइड वाला, 10 साइड वाला, 50 साइड वाला, इक्वल साइड, तो रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। बात समझे? तो हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल के अंदर एक रेगुलर पॉलीगॉन इंस्क्राइब कर देते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन कैसे बनता था याद है? उसका कंस्ट्रक्शन हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। तो पॉलीगॉन बनाने का तरीका ऐसे आता था, ये यहाँ टच होता था, फिर ये यहाँ ऐसे टच होता था, फिर ये यहाँ ऐसे टच होता था, फिर ये यहाँ ऐसे टच होता था। थोड़ा सा इसको लंबा कर लेते हैं ना, देखिए ये ऐसे टच हुआ, ये ऐसे टच हुआ, यहाँ पर ये ऐसे टच, ये इधर टच हुआ, ये इधर टच हुआ, ये इधर टच हुआ, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ऐसे। ओवरव्यू समझिए खाली, बनेगा इस तरह रेगुलर पॉलीगॉन बनता था। इधर उधर टच होते होते कहीं छोटा कहीं बड़ा, ये मैंने छोटा बड़ा कर दिया है, अदरवाइज सब एक जैसे दिखेंगे ऐसे, ठीक है ना? दिखेगा ऐसे पॉलीगॉन, बन जाएगा, कंस्ट्रक्शन किया ना हमने पिछले चैप्टर में, बोलिए हाँ। yes. हाँ बनेगा। अब इसमें जितने भी साइड बनाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने बोला n साइड हमने ड्रॉ की, कितने साइड? 10 बना दिया मैंने, ठीक है। तो ये 10 साइड वाला क्या बन गया? डेकागॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर डेकागॉन, सभी साइड इसके बराबर हैं आपस में, समझ आया? सपोज हमने इसमें बहुत सारे साइड बनाए अंदर, 11, 12 कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या बोला, हमने 100,000 साइड वाला पॉलीगॉन बना दिया, कितना? अब 100,000 साइड वाला पॉलीगॉन बनाऊंगा तो उसके साइड बड़े बड़े रहेंगे कि बहुत छोटे छोटे? बहुत छोटे 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 साइड बनेंगे, बनेंगे बनेंगे, इस पर हम बाद में आते हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाया, ये पॉलीगॉन का एक साइड, ये पॉलीगॉन का दूसरा साइड, साइड नहीं वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स, ये दूसरा वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को सेंटर से मिलाऊंगा, देखिए ना, तो क्या बनेगा? ट्राइंगल बना, ट्राइंगल बना, ये देखिए ना, इसका नाम मैं रख रहा हूँ ए बी, रखा।
इस ट्राइंगल का एरिया मुझे निकालना है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस कौन है? ए बी. हाइट कौन है? हाँ, हाइट क्या होती है ट्राइंगल की, याद करिए, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज हाइट ऑफ ए ट्राइंगल? एक ट्राइंगल की हाइट किसको बोलते हैं? हाइट के लिए कंपलसरी चीज क्या है? वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए. और हाइट सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, याद आया? बताया है मैंने कि नहीं बताया? और आप लोग भूल गए. हाइट के लिए शर्त क्या है? वो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी एक पॉइंट से. कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट से सबसे छोटी डिस्टेंस. आप हर लाइन को हाइट नहीं बोल सकते. हाइट होने के लिए दो शर्त क्या? एक तो इसकी लेंथ कैसी होनी चाहिए, सबसे छोटी, और दूसरी जिस लाइन पर गिरेगी वहाँ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री. तो परपेंडिकुलर होगी और सबसे छोटी होगी, उसको क्या बोलते हैं? हाइट. तो ये क्या सबसे छोटी डिस्टेंस है इस लाइन पर, बेस ए बी पर? नहीं. ये क्या सबसे छोटी है? नहीं. सबसे छोटी कहाँ पर आएगी? बीच में. ये दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इसका मैंने नाम रखा सी. समझे? तो ओ सी क्या है इसका? हाइट. और ए बी क्या है? बेस. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये किसका फॉर्मूला बन गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल बन गया. बना? देखिए ये क्या चीज है? साइड है. ए बी क्या चीज है? बेसिकली साइड ऑफ द पॉलीगॉन है. देखो ये साइड पॉलीगॉन का, ये भी साइड, ये भी साइड. तो ए बी क्या चीज है? साइड ऑफ द पॉलीगॉन. और ओ सी क्या चीज है? उसी पॉलीगॉन के साइड पर गिरने वाला परपेंडिकुलर, सेंटर से गिरने वाला परपेंडिकुलर. समझ में आया? तो इसको ना मैंने लिख दिया, ए बी क्या चीज है? साइड ऑफ द पॉलीगॉन. ठीक है. ओ सी क्या चीज है? परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम सेंटर. सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ हमने खींचा पॉलीगॉन के साइड पर. हुआ ये? यहां तक समझे? अरे लिखने में टाइम वेस्ट मत करिए, थोड़ा सा समझने में टाइम वेस्ट करिए, बाद में लिखिएगा, आराम से लिखिएगा, ये आपके परीक्षा में नहीं आएगा. ठीक है ना? मैं क्या समझाने जा रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर कैसे बनता है, कैसे आता है. ये आपके पेपर में नहीं आएगा, मत लिखिए, हड़बड़ाइए नहीं, इसको समझिए कैसे बनता है फॉर्मूला. समझ गए? समझ गए? ये बना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल है. है? अब हमने क्या बनाया? ये बेसिकली साइड ऑफ पॉलीगॉन है. ये बेसिकली उस पॉलीगॉन के साइड के ऊपर खींचा हुआ परपेंडिकुलर है सेंटर से. है? है? अब एक बात बताइए, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड जो पॉलीगॉन के साइड्स हैं, आपस में बराबर हैं कि नहीं? क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है और रेगुलर पॉलीगॉन के सभी साइड्स क्या होते हैं? बराबर. ठीक बात. अच्छा, अगर ये सभी साइड बराबर बराबर लेंथ के हैं, तो सेंटर से साइड पर जो डिस्टेंस है, अगर मैं इस सेंटर से दूसरे साइड पर डिस्टेंस परपेंडिकुलर खींचूं, तीसरे साइड पर परपेंडिकुलर खींचूं, चौथे पर खींचूं, पांचवें पर खींचूं, हर जगह ये परपेंडिकुलर भी कैसा हो जाएगा? बराबर. क्योंकि अगर सभी पॉलीगॉन के साइड बराबर, तो सेंटर से खींचा हुआ परपेंडिकुलर भी बराबर, बराबर लेंथ का होगा सभी परपेंडिकुलर. अब बताइए, यहां पर मैंने ट्राइंगल बनाया, ऐसे ही ट्राइंगल मैं यहां भी बना सकता था इस साइड के साथ, ऐसे ही इस साइड के साथ ट्राइंगल बना सकता था, इधर भी बना सकता था इस साइड के साथ ट्राइंगल. हर ट्राइंगल में बेस 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 बराबर बराबर बराबर, और सब में हाइट 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 भी बराबर बराबर बराबर. तो बेस भी बराबर, हाइट भी बराबर. तो जितने ट्राइंगल बनेंगे, हर ट्राइंगल का एरिया भी कैसा हो जाएगा? बराबर. ठीक है ना? हर ट्राइंगल का एरिया कैसा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा. हो जाएगा. सिंस साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन आर इक्वल एंड साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स आर इक्वल एंड डिस्टेंस कौन सा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन साइड्स फ्रॉम सेंटर आर ऑल्सो इक्वल.
देयरफोर एरिया ऑफ ऑल ट्राइंगल्स आर इक्वल। होंगे? बोलिए जल्दी से, बोलिए होंगे। इसमें जितने भी ट्रायंगल हम बना लें वर्टेक्स को मिला मिला के सेंटर से, हर ट्रायंगल का एरिया कैसा हो जाएगा? होगा, होगा कि नहीं होगा? अब एक बात बताइए, इसमें मैंने कितने साइड लिए हैं? 11 दिख रहे हैं, लेकिन कितने बना सकते हैं हम? इन्फिनिटी, n साइड लिए मान लो। कितने? मान लो मैंने 100,000 साइड ली है, तो 100,000 साइड से 100,000 ट्राइंगल बनेंगे, 100,000 वर्टेक्स भी बनेंगे, तो 100,000 ट्राइंगल भी बनेंगे। 100,000 ट्राइंगल सबका एरिया आपस में कैसा होगा? इक्वल। और एक बात बताइए, इसमें 100,000 ट्राइंगल बने हैं और ये बेस की हाइट कैसी हो जाएगी? छोटी 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 हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। तो सभी ट्राइंगल का एरिया किसका एरिया बन जाएगा? असल में किसका बन जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के अंदर का ही एरिया बना ना। फिर से सुनिए, अगर ये नंबर ऑफ साइड बहुत सारे हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, 100,000 हो जाए, तो इस साइड की लेंथ कैसी हो जाएगी? बहुत छोटी छोटी। तो सभी साइड का सम, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, ये पूरे क्या बन जाएंगे मिलके? सर्कमफ्रेंस, है ना। अगर साइड बहुत सारे हो जाएं तो ये सब साइड मिलके क्या बन जाएंगे? सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएंगे। बहुत छोटे छोटे साइड हैं तो सभी साइड को जब तुम मिलाओगे तो ये साइड क्या बन जाएंगी? सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। और ये जो परपेंडिकुलर आप खींच रहे हैं पॉलीगॉन के साइड के ऊपर, ये साइड खुद क्या बन चुका है? सर्कमफ्रेंस। तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक आने वाला ये परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा? रेडियस। तो इस परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हैं? रेडियस। इस साइड को क्या लिख सकते हैं? इस सभी साइड मिल करके क्या बन जाएंगे? सर्कमफ्रेंस। समझ में आया? देखिए, इफ देयर आर n साइड ऑफ पॉलीगॉन, से n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मान लो कितने साइड हैं? इन्फिनिटी साइड, इन्फिनिटी। कितने साइड हैं पॉलीगॉन में? इन्फिनिट साइड, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू n टाइम इनटू साइड, साइड कैसे हो जाएंगे फिर? n, n साइड नहीं हो जाएंगे ट्राइंगल के या पॉलीगॉन के? n साइड मल्टीप्लाइड बाय ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ आया? आया कि नहीं आया? आया। फिर से वही चीज मैं आपसे पूछूंगा कि अगर लाखों साइड इसमें हमने बना दी पॉलीगॉन की, तो सभी साइड मिल करके क्या बन जाएंगे? n साइड है, n मतलब लाखों, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी साइड मिल करके क्या बन जाएंगे? सरकमफ्रेंस। तो इस साइड की जगह हम क्या लिख लें? सरकमफ्रेंस। समझ आया? और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम खींच रहे थे साइड्स पर, ये साइड खुद क्या बन चुकी हैं? सरकमफ्रेंस। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस क्या कहलाने लगेगा? रेडियस। तो इसको हमने क्या लिख दिया? रेडियस। समझ आया? और ये n इंटू साइड था, इसको मुझे यही लिखना चाहिए, n इंटू साइड, ऐसे। दिस इज हाफ मल्टीप्लाइड बाय n साइड्स, ये इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ओके, ये सर्कमफ्रेंस साइड की जगह आ गया, n साइड मिल करके सर्कमफ्रेंस बना लेंगे, और अब ये डिस्टेंस क्या कहलाने लगेगा? रेडियस। और यहां पर सामने क्या लगा हुआ है? हाफ। और ये है सर्कमफ्रेंस, ये पूरा सर्कमफ्रेंस बन गया, ये रेडियस बन गया। तो सभी ट्राइंगल जितने भी बनेंगे, इन्फिनिटी ट्राइंगल बनेंगे, इसमें सभी ट्राइंगल का एरिया मिला देंगे, जोड़ देंगे, तो किसका एरिया बन जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल। तो ये n टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो ये सब मिल करके क्या बन जाएंगे? एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या बन गया? हाफ इंटू सर्कमफ्रेंस इंटू रेडियस। समझ आया? और अभी अभी हम सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बना के आ रहे हैं, कितना होता है? कितना होता है? 2πr। सो दिस इज हाफ इंटू 2πr मल्टीप्लाइड बाय r। हुआ? दिस इज फॉर रेडियस, दिस इज फॉर सर्कमफ्रेंस। होता है? होता है कि नहीं? इस नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा?
दिस इज पाई आर मल्टीप्लाइड बाय आर आर स्क्वायर. दिस इज व्हाट एरिया ऑफ सर्कल. कितना आया एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर. इस तरह से एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बनाया जाता है. समझ आया? सो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. ठीक है, नोट करिए इसको.